हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन माय चूल्हा। तो आज हम बनाएंगे एग करी मसाला, जो कि हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। उसमें डालेंगे कुछ ऐसी एक चीज़ जिससे कि हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़ने वाला, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ बेसिक्स इंग्रेडिएंट, जैसे कि 3 ऑनियन, 2 हरी मिर्च और 3 टमाटो। और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बाकी के इंग्रेडिएंट आप जो है ग्रेवी बनाते बनाते देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो चलिए पहले हम एग को फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी ऑयल के अंदर, 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम यहाँ पर उबले हुए अंडे को प्रिक करके डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नाइफ से हम कट लगा देंगे अंदर, जिससे कि हमारा अंडा जो है वो उछलेगा नहीं, फूटेगा नहीं, आपके ऊपर से छींटे नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम मैंने सारे अंडों में इस तरह से थोड़े थोड़े प्रिक कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 अंडे लिए हैं। अब हम इसे ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट जो है ग्रेवी में जाने के बाद बहुत ही बढ़ जाता है। आप चाहें तो फ्राई करें, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, ताकि अगर किसी का मन करे कि इसी तरह से हम अंडे को खा ले तो उसे उसका भी टेस्ट आ जाए, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। तो हम थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर थोड़ा सा सुनहरा कलर आ जाए, इस तरह से श्रिंक का हुआ कलर आ जाए, देखिए इस तरह से। तो अब हमारे जो अंडे हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो उसके लिए हम इसी पैन में ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच तेल और ऐड कर रही हूँ इसमें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा टेस्टी ग्रेवी। तो अब हम इसमें डालेंगे, पहले हम लाल मिर्च नहीं डालने वाले हैं, इसे मैं थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, देखिए पूरा हम तोड़ेंगे नहीं, बस कट लगा के रख देंगे लाल सूखी मिर्च में। और सबसे पहले हम ऑयल में डाल रहे हैं 1 टीस्पून राई के दाने, मस्टर्ड सीड्स। जब वो फूटने लगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सूखी लाल मिर्च 2। क्या है, मैंने यहाँ पर अखे नहीं डाले, थोड़ा सा कट लगा जिससे कि इसमें इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 ऑनियन में से 1 ऑनियन मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया है, उसे हम ऑयल में डालकर अच्छे से भून लेंगे। और जो 2 ऑनियन रखा है उसे हम पीसने वाले हैं। तो जब तक कि हमारा ऑनियन थोड़ा सा गुलाबी ना हो जाए हम इसे भून लेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे। 1 चम्मच आपको डालना है छोटे वाले चम्मच से। और अब हमें ऑनियन को थोड़ा सा सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेना है, बीच बीच में चलाते हुए। तो इसे 1 से 2 मिनट और जाएंगे भुनने के लिए। तो ये देखिए हमारा ऑनियन अब थोड़ा सा सुनहरा कलर में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा वो थोड़ा सा और कलर आता तब तक हम ये जो 2 ऑनियन हमने लिए थे उसे हमने काट कर उसके साथ में 2 हरी मिर्च डालकर हमने ये पीस लिया है। एकदम बारीक मैंने नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा है, तो उसे हम साइड में रख लेंगे। और उसके बाद ऑयल में ऐड कर देंगे हम काश्मीरी रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर कर काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। ये हम जब इस टाइम पर डालेंगे तो हमारे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप भी इसी टाइम डालिएगा। थोड़ा सा भून लेने के बाद जो हमने ऑनियन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से भुनने वाले हैं, जब तक कि मसाले में थोड़ा सा ऑयल ना रिलीज़ हो जाए। तो मसाले को ड्राई होने तक अच्छे से भून लीजिए। जितना हम इसे भूनेंगे उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी। तो हमने यहाँ पर 3 टमाटो लिए थे, तो उसे हम अच्छे से ग्राइंडर में पीस लेंगे। और अब हमें यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है और फिर से हमें मसालों को अच्छी तरह से भूनना है टमाटो के साथ। तो टमाटो के डालने के बाद 1-1/2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो अभी तक हमने इसमें सिर्फ काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, साथ में हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, और इसके साथ 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा 1 टीस्पून इतना हमने यहाँ पर जीरा पाउडर डाला है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद फिर से हमें इसे टमाटो प्यूरी और बाकी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाकर भून लेना है। तो वही बात है कि जब तक हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे नहीं इसका टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा। तो मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है, हम जितना इसे भूनेंगे उतना इसका टेस्ट जो है वो निखर के आएगा। तो मैंने यहाँ पर ढक दिया है 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया, और फिर से हम इसे चला लेंगे अच्छी तरह से।
और फिर से हम इसे ढककर एक मिनट और भुनने देंगे। और जब तक ये भुन रहा है तब तक हमने ले लिया और एक अंडा। तो मैंने यहाँ पे 6 अंडे उबाले थे जिसमें से 5 अंडे की ग्रेवी बना रही हूँ, और जो एक अंडा है जो कि हमारा मेन मैजिक इंग्रेडिएंट है, यही एग्स, मतलब एग में से 6 में से मैंने एक अंडे निकाल लिया और उसे बहुत ही बारीक तरीके से फोक से मैश कर दिया है। देखिए इस तरह से एकदम बारीक कर लिया है। और बारीक करने के बाद अब हम इसे ऐड करेंगे हमारे अंडे की ग्रेवी में, जब हम पानी डाल देंगे उसके बाद। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं पानी, क्योंकि ये भुन गया है तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें पानी ऐड करेंगे हम, जितना आपको ग्रेवी की रिक्वायरमेंट है आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा डाला है मसाले मिक्स करने के लिए। तो मसाले मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे इतना ग्रेवी चाहिए इसलिए। तो आप भी ज़रूर अपने हिसाब से पानी डालें इसमें, और साथ में आप इसमें सॉल्ट भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर सॉल्ट वाला जो सॉल्ट था वो नहीं आया है, सॉरी, बट आप सॉल्ट ज़रूर डालिएगा इसमें। और चला लीजिए एक बार, एक उबाल आने के बाद चला लीजिए उसको ढककर पकाने के बाद। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो एग, हमने एक अंडा जो रख दिया था जिसे हमने फोक से अच्छे से बारीक कर लिया था, वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और जैसे ही हमने ये एकदम स्क्रम्बल एग, बॉयल्ड एग को डाला है, हमारे ग्रेवी का लुक एकदम से चेंज हो गया है और अलग ही लुक आ रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देख के, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अच्छे से चलाकर हमें इसे 1-2 मिनट तक पकाना है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा ग्रेवी, तब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए अंडे एक एक करके। अंडे को डालने के बाद अब आपको सिर्फ इसे 1 ही मिनट पकाना है, 1 से 2 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपकी जो एग ग्रेवी मसाला है वो एकदम रेडी हो जाएगी। और एंड में हमें और एक चीज़ डालनी है जो कि आप गैस बंद करने के पहले डाल देंगे। तो ये लीजिए हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। तो लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी एग ग्रेवी मसाला रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप।